हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम लोग परीक्षा में जो पेपर सॉल्व करना है, बोर्ड की परीक्षा में पेपर को सॉल्व करने के लिए किस तरह से पेपर को सॉल्व करें कि पेपर जो है दिए गए समय की सीमा के अंदर ही उसको पूरा किया जा सके, और किस तरीके से उत्तर को लिखें कि उत्तर के जांच के समय उसका जो परीक्षक महोदय हैं उसमें नंबर को कम न कर सकें, यानी कि आपको पूरा पूरा नंबर प्राप्त हो उसके संबंध में, और साथ ही साथ एक बोर्ड का पेपर, एक पूरा पेपर जो है गणित विषय का हल किया जाएगा। आज का ये वीडियो लंबा होने वाला है, और पूरे वीडियो में आपको विषय से संबंधित वो पेपर का पूरा एक साल का एक पूरा पेपर गणित का कैसे हल किया जाता है और प्रश्न को हल करने की विधि भी आपको बताई जाएगी। मतलब ये कि आज के वीडियो में आपको अनसॉल्व पेपर हल कराए जाएंगे। अनसॉल्व पेपर में सामान्यतया ये देखने को मिलता है कि अगली परीक्षा जो होती है, जो भी बोर्ड की परीक्षाएँ होती हैं, उसमें एक साल का गैप करके उसके पहले का जो पेपर होता है उस पेपर के सिमिलर बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो पिछली परीक्षा हम लोगों का बोर्ड का कक्षा 10 का 2020 में हुआ था, और अपने ज़िले का जो कोड था वह था 822 NA। तो 822 NA जो पेपर का कोड था, इस कोड के पेपर को जो कि सन 2020 में बोर्ड के पेपर में पूछा गया है, उसको आज हम हल करेंगे और हल करके सही तरीके से लिखने की विधि बताएंगे। इस 2020 के पेपर में पूरा प्रश्न दिया गया था, इसमें सिलेबस में कुछ माइनस नहीं हुआ था, और 2020 के जो पेपर हैं उसमें से सिलेबस में 30% इसमें माइनस है कोविड-19 के चलते, तो वो प्रश्न भी इसमें सम्मिलित होंगे। 30% जो इसमें माइनस हैं वह प्रश्न भी इस बोर्ड के पेपर में सम्मिलित हैं, और हमारे पास यही बोर्ड का पेपर है। 928 विषय कोड है, 822 NA जिले का कोड है, और 2020 गणित का एक क्वेश्चन पेपर है। इस पेपर में कुल 7 प्रश्न होते हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न में कितने अंक हैं प्रश्न के सामने लिख के दिए गए होते हैं। प्रश्न पत्र बोर्ड का कोई भी विषय हो, पेपर जब हल करते हैं तो शुरू करते हैं, और प्रश्न में जो भी प्रश्न सही से उत्तर आते हैं उसको लिखते जाते हैं, और अगर कोई प्रश्न का उत्तर आपको नहीं पता है या नहीं आ रहा है या कोई कंफ्यूजन है तो ऐसे प्रश्न को हम लोग रोक लेते हैं। फिर जब दोबारा पेपर को हल करने आते हैं, मतलब पूरा एक बार अंत तक पहुँच जाते हैं, उसके बाद जब फिर दोबारा आते हैं तब उसके बाद जो छूटे हुए प्रश्न हैं उस पर और अधिक कोशिश करके उस प्रश्न को हल करते हैं। गणित के पेपर में रफ कार्य हमेशा बाएं पेज पे करना चाहिए, और बाएं पेज पे रफ करके उसको काट कर ऊपर वो रफ लिख देना चाहिए। और अगर आप रफ नहीं कर रहे हैं और मतलब एक ही पेज या दो पेज के रफ से आपका पूरा काम चल जा रहा है तो फिर बाएं पेज पे भी लिख सकते हैं। उसमें बाएं पेज के ऊपर आप रफ नहीं लिखे हैं तो फिर वो सही मान के चेक किया जाता है। इसमें रचना के प्रश्नों के हल करने में रचना रेखा नहीं मिटाते हैं, जिन रेखाओं की सहायता से रचना पूरा होता है उनको नहीं मिटाते हैं, और अगर पूछा गया है तो रचना का पद भी गणित के पेपर में लिखते हैं। और चित्र इसमें आवश्यक है तो चित्र बनाते हैं, और चित्र के बिना अगर वो प्रश्न चित्र पर आधारित प्रश्न है तो चित्र के बिना वो प्रश्न जो है अपूर्ण माना जाता है। इन सब छोटी छोटी बातों का गणित के विषय में ध्यान रखते हैं। इंस्ट्रक्शन में दिया जाता है, जो कि पेपर आपको समय सीमा से 15 मिनट पहले मिलता है, और 15 मिनट समय आपको पेपर पढ़ने और इन सब बातों को समझने के लिए मिलता है। इस बोर्ड का जो पैटर्न है प्रश्न पूछने का पेपर में, इसमें पहला प्रश्न जो है बहुविकल्पी होता है, और इसमें कुल 5 प्रश्न होते हैं। 5 प्रश्न एक एक नंबर के होते हैं, और कुल मिला के 5 प्रश्न का पहला प्रश्न होता है, 5 नंबर का पहला प्रश्न होता है।
पहले प्रश्न में ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, विकल्पी होता है, इसमें सही उत्तर चुनकर लिखते हैं। तो सही उत्तर में बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जिसके उत्तर आपको मौखिक मिल जाते हैं, कुछ प्रश्नों के उत्तर में आपको कुछ एक दो लाइन लिखने की आवश्यकता पड़ती है। तो अगर मौखिक मिल जाते हैं तब तो ठीक है, और लिखने की आवश्यकता पड़ रही है तो एक पेज चुन लेते हैं, ऊपर रफ लिख देते हैं और उसी पे हल करके वहाँ। लेकिन अगर ज़्यादा स्टेप में प्रश्न हल होने वाला है तो बहुविकल्पी प्रश्न में भी आप उसको वहीं हल करके लिखते हैं। जैसे आप प्रश्न शुरू करेंगे तो मान लीजिए आपने प्रश्न शुरू किया, क्वेश्चन नंबर 1 का मान लीजिए आपने लिया क, इसमें प्रश्न है, पहला प्रश्न है, अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी से एक इक्का आने की प्रायिकता। तो प्रायिकता, इक्का आने की प्रायिकता, तो प्रायिकता होता है अनुकूल, प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल घटना, अनुकूल घटना अब बटे समष्ट में घटित होने वाली कुल घटना। तो ताश के पूरी गड्डी में 4 इक्के होते हैं, और इसमें ये नहीं कहा है कि किसी एक रंग का इक्का आवे, कोई एक इक्का आने की प्रायिकता। तो अनुकूल घटना जो है 52 पत्ती में 4 पत्ती इक्का का है, अनुकूल घटना जो है 52 पत्तियाँ कुल हैं, इसको हल करेंगे तो यह आ जाएगा कितना, 1/13। तो ताश के गड्ढी में से 52 पत्तियों में से एक पत्ती खींचे, उस पत्ती की इक्का होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/13। 1/13 आप देखेंगे विकल्प नंबर 3 से ही है, तो क के आगे जो है ये 3 लगाएंगे और फिर लिख देंगे नीचे 1/13, बस इसमें इससे अधिक नहीं लिखना है। और ये काम आप मौखिक भी कर सकते हैं, अगर मौखिक नहीं कर पा रहे हैं तो इतनी इतनी बात ऊपर लिख के फिर नीचे तब इसका उत्तर लिख देंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 1 का एक ख, बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x + 10 = 0 में शून्यक होंगे। तो ये पूछता शून्यकों की संख्या कितनी होती है, तो शून्यक कितने होंगे इसमें, तो इसके 2 घात है 2 शून्यक होंगे, लेकिन पूछे इसमें शून्यक कौन कौन होंगे। तो शून्यक कौन कौन होंगे, इसके 2 उपाय हैं। पहला उपाय तो ये है कि इसको हल करके शून्यक निकाल लीजिए, और दूसरा उपाय यह है कि जो मान दिए हुए इन मानों को इसमें रखिए और जिससे ये संतुष्ट हो जाए वही इसके शून्यक हो जाएंगे। तो मान अगर आप रखने जाओगे तो इसमें 4 विकल्प दिया है, चारों को देखना पड़ेगा, चारों को नहीं देखोगे, मान लो बाय लक ये चौथा सही है तो हमको पहला भी रखना होगा, दूसरा, तीसरा, चौथे पर जाके हमको उत्तर मिलेगा। तो इस तरह के प्रश्न में हमारे विचार से अच्छा ये होता है कि इसका फटाक्ष हम क्या कर दें, इसका तुरंत हम गुणनखंड कर दें, और गुणनखंड करने के बाद यहाँ पे हम अगर गुणनखंड में यहाँ तक पहुँच जाते हैं तो हमको समझ में आ जाएगा कि इसके शून्यक क्या क्या होंगे। और इसमें देखेंगे ध्यान से तो इसके शून्यक अब हमको समझ में आ रहा है कि इसके शून्यक जो है एक यहाँ से मिलेगा और एक यहाँ से मिलेगा, तो इसके शून्यक होंगे -2 और -5। तो संयोग से इसमें पहला ही विकल्प दिया है -2 और -5, तो ठीक है, अच्छी बात है कि पहले ही निकल गया। लेकिन अगर ये विकल्प चौथे नंबर पर होता तो हमको 4 बार इसको एग्जामिन करना पड़ता और 4 times एग्जामिन में बहुत टाइम लगेगा। तो उससे बेहतर है कि हम फटाक से उसको 2-3 लाइन में ये हल हो जाएगा, हम लोगों को तो यही पता चल जाएगा इसके शून्य कौन कौन होंगे, या यहाँ से पता चल जाएगा शून्य कौन कौन होंगे, तो फिर इसमें हमको आगे और हल करने की ज़रूरत नहीं है। तो प्रश्न नंबर पहले के ख का उत्तर हो जाएगा पहला, और शून्यक होंगे -2 और -5। ये काम रफ पे करते जाइए, रफ पे करके उसको काटते जाइए। 2 हो गया। तीसरा प्रश्न दिया हुआ है, टेंट ए बराबर 4/3, टेन ए इज इक्वल टू 4/3, 4/3 दिया है, और फिर कास ए का मान पूछ रहा है, कास ए का मान इसमें पूछा जा रहा है। तो इस तरह के प्रश्न आपको 9th में बताए गए हैं, 10th में बताए गए हैं। इसमें फटाफट एक त्रिभुज बनाइए, और त्रिभुज में इसको ए ले लीजिए, ये बी और ये सी, ए मतलब 4/3, ये 4 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। तो पक्का है ये पाइथागोरियन त्रिक से देखेंगे, 3-4 का पाइथागोरियन त्रिक है 5, फिर इसमें आगे आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। और इसमें कॉस ए का मान जो है, कॉस ए का मान, कॉस आधार बटे कर्ण यानी कि 3/5 इसका उत्तर हो जाएगा, जो कि इस प्रश्न में प्रश्न नंबर 3/5 जो है दूसरा है।
तो ग का जो है दूसरा प्रश्न जो है 3/5। ऐसे ही घ दिए हुए हैं, अब घ में चूंकि हमको पूरा चित्र बनाएंगे तब आपको समझा पाएंगे हम। घ में ऐसे चित्र बना हुआ है, यहाँ पे 1, 2, 3, ये -2, -1 और -3 और यहाँ पे -1, -2 नहीं, पेपर में तो ऐसे 1, 2, 3 लिखा हुआ है, माइनस नहीं लगा हुआ है, चलिए ये भी ठीक है। और एक बिंदु दिए हुए हैं यहाँ पे ऐसे एक बिंदु दिए हुए हैं। प्रश्न पूछ रहे हैं कि चित्र में पी के निर्देशांक होंगे, ये है पहले का घ और निर्देशांक कितना होगा। तो निर्देशांक में आपको पता है कि निर्देशांक में हम लोग पहले भुज मान लिखते हैं और भुज के बाद तब जो है कोटि मान लिखते हैं। तो इसका भुज मान मतलब यक्ष अक्ष की दिशा में मापा गया मान, तो 1, 2, 3 तो भुज मान है इसका 3, तो 3 है लेकिन ये मूल बिंदु के बाईं ओर है इसलिए माइनस होगा। अब कोटि मान जो है 2 है, ये मूल बिंदु के नीचे है वाई अक्ष पे, इसका -2 होगा। और ये घ में विकल्प दिया है -3, -2 विकल्प दिया है तीसरा, तो तीसरा विकल्प सही है और तीसरा मान कितना है -3 और -2, ये 4 हो गया। और 4 के बाद जो है पांचवा है अंग, यानी 6 प्रश्न है इसमें, 5 नहीं है 6 प्रश्न है इसमें, अंग है। अब इसको थोड़ा सा मिटाने दीजिए, ये काम आप रफ पे करते जाएंगे, नहीं समझ में आ रहा है और समझ में आ रहा है मौखिक चित्र देख के, तो मौखिक भी आप लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इसी के लिए प्रश्न दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि त्रिभुज ABC में आधार BC के समानांतर एक रेखा खींची गई है PQ, और प्रश्न में कह रहे हैं कि PQ संबंधी BC का माप दिया हुआ है 1/3। तो AP और PB का अनुपात ज्ञात करना है, AP और PB। तो ये प्रश्न जो है कंफ्यूज इसलिए कर देता है कि अगर आप ये समानांतर प्रश्न में कह दिया तो आपके दिमाग में जाएगा कि इस पे जो है थेल्स प्रमेय में ही ये कंडीशन आता है कि अगर त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर रेखा खींची जाए तो वह शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में बांट। यहाँ उसका मतलब नहीं है, AP PB का अनुपात तो सम है, ठीक है, लेकिन ये रेखा जो इसके समानांतर है और इसका अनुपात प्रश्न में दिया हुआ है, तो ये थेल्स प्रमेय से नहीं होगा, तब किससे होगा? तो इसको हम लोग करेंगे समरूप से, और समरूप आप देखोगे बहुत सिंपली कि APQ और ABC दोनों त्रिभुज समरूप हैं। कैसे? तो ये रेखा समानांतर है तो ये कोण बराबर, संगत कोण से ये कोण भी आपस में क्या है बराबर, और यह कोण दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है, तो सीधे आपको मिल जाएगा त्रिभुज APQ समरूप है त्रिभुज ABC के। अब ये समरूप है तो यहाँ से मिल जाएगा आपको AP/AB इज इक्वल PQ/BC। चलिए ठीक है, PQ/BC का मान दिया है 1/3, तो आपको AP/AB नहीं निकालना है, AP/PB निकालना है, यहाँ ध्यान से देखिए AP/PB निकालना है। तो AP/PB कैसे निकलेगा? तो यहाँ से AP/AB बराबर 1/3 निकला, तो फिर इसको आप कर लीजिए AB/AP, तो ये हो जाएगा 3/1। अब दोनों पक्षों से एक घटा दीजिए, तो दोनों पक्षों से एक घटाएंगे तो ऐसे मिलेगा, अब यहाँ हो जाएगा AB-AP अब AP, ये हो जाएगा 3-1/1। AB में से AP घटाएंगे, पूरे AB में से AP घटाएंगे तो यहाँ बचेगा PB अब PB/AP दो बटे एक, तो यहाँ से हो जाएगा AP/PB = 1/2। ये प्रश्न जो ऐसे हल होता है, तो ध्यान रखिएगा ये प्रश्न जो है बार बार पूछा जाता है, हर साल के एक साल के अंतराल के बाद इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है कि इसका और इसका अनुपात देंगे, इसका इसका अनुपात पूछ देंगे, या इन भुजाओं का अनुपात देके इसका इसमें किसी भी तरह से अनुपात पूछ सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि यह प्रश्न लग रहा है थेल्स प्रमेय का है, लेकिन यह प्रश्न जो है थेल्स प्रमेय से नहीं हल होता है, यह प्रश्न जो है समरूपता के नियम से हल होता है।
तो एक संबंधित दो अनुपात दिया है प्रश्न नंबर अंग में दिया है प्रश्न ये विकल्प नंबर तीन में दिया है एक संबंधित दो। और च वाला जो प्रश्न है थोड़ा समय लग रहा है, इतना समय नहीं लगना चाहिए, तो प्रश्न को समझाने में थोड़ा समय लग जा रहा है, नहीं तो ये बहुत आसान सी चीज़ है। हाँ, चौ में एक चित्र बना के दिए हैं इस तरह का, चौम प्रश्न चौ में एक चित्र बना के दिए हैं और इसका इस फलन का समीकरण दे दिए वाई बराबर एफ एक्स और पूछे हैं इसके कितने शून्यक होंगे। शून्यक मने शून्यक जीरोज, जीरोज ऑफ एनी फंक्शन विल बी वैल्यू आर रूट। किसी भी फलन के जो शून्यक होते हैं उस फलन का मान होता है या उसके जो मूल होते हैं वही उसके शून्यक होते हैं। और कितने होंगे, तो यह वक्र इस अक्ष को जितने बिंदुओं पर, यह वक्र यक्ष के अक्ष को, यक्ष का फलन है तो यक्ष के अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटता है उतने शून्यक होंगे। तो यह चित्र में दिख रहा है साफ साफ कि यह वक्र जो है ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, तो आगे यक्ष अक्ष से मिलने की संभावना है नहीं, केवल एक बिंदु पर काट रहा है, तो यह वक्र जो है यक्ष अक्ष को केवल एक बिंदु पर ही काट सकता है, इसलिए इसका शून्यक जो होगा वह केवल एक होगा और एक विकल्प इसमें विकल्प दिया हुआ है और एक का जो विकल्प है वह विकल्प नंबर शायद एक ही है, विकल्प की संख्या 1, 2, 3 और 4 और इसमें ये विकल्प दिया हुआ है 1, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1। तो ये चूंकि समझाने में समय लग रहा है, ये सब अगर आप देखोगे तो मुश्किल से ये 6 प्रश्न जो है 3 या 4 मिनट के अंदर ये लिखे जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया, ये प्रश्न नंबर 1 का हुआ। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर दो गणित और विज्ञान के पेपर में कभी यह कोशिश नहीं करते हैं कि हम अधिक से अधिक पेज भरें, और अधिक पेज भरेंगे तो अधिक आप ऐसे 6 लाइन लगेंगे आपके और 6 लाइन में आपके 6 नंबर तैयार हो गए। तो इसमें जो प्रश्न पूछा जाए उसको लिखने की कोशिश करते हैं और जितना पूछा जाए उतना ही लिखने की कोशिश करते हैं। आप क्या जानते हैं इससे एग्जामिनर को मतलब नहीं होता है, एग्जामिनर को मतलब होता है कि जो प्रश्न पूछा गया वो आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और आ रहा है तो पॉइंट टू पॉइंट उसी का उत्तर देते हैं, अगल बगल की चीज़ों को उसमें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 में है, 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, कम से कम एक चित्र प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो एक सिक्के में 2 पॉसिबिलिटी होती है, हेड और टेल की। 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जा रहा है तो कितनी पॉसिबिलिटी बनेंगी, तो आप एक लाइन लिख लीजिए, 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर संभव स्थितियां, कितनी स्थितियां संभव हैं, तो उसको देखिए, या तो दोनों सिक्कों पर हेड आ सकता है, या एक सिक्के पे हेड एक सिक्के पे टेल आ सकता है, या पहले पे टेल और दूसरे पे हेड आ सकता है, या दोनों सिक्कों पे ये टेल आ सकता है, यही 4 परिस्थितियाँ बनेंगी। और प्रश्न में कह रहे हैं कि एक चित मतलब टेल, एक टी प्राप्त होने की प्रायिकता, तो एक टेल लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, चित्त, एक चित्त प्राप्त होने की घटना या होने की स्थिति कितना है, तो यह है, इसको हम लोग ई से दिखाते हैं, इसको हम लोग यस से दिखाते हैं। तो ये एक चित्त प्राप्त होने की स्थिति कहाँ है, यहाँ पे दोनों हेड है, यहाँ पे दोनों टेल है, यहाँ दोनों चित्त है, यहाँ दोनों शीर्ष है, एक चित्त यहाँ मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, तो यह है HT और दूसरी स्थिति है TH। यही 2 स्थितियाँ हैं जिसमें एक चित्त जो है प्राप्त हो सकता है, यानी कि NS बराबर है हम लोग के पास 4 और NE बराबर है हम लोग के पास 2, इसलिए एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता ये हो जाएगा, प्रायिकता को हम लोग P से दिखाते हैं, ये हो जाएगा NI। अब शुरू में ही हम बताए थे NI बटे NS, अब NI हो गया हम लोगों का 2 और NS हो गया हम लोगों का 4, यानी कि 1/2। ये होगा 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पे क्या करने, एक पर चित्त प्राप्त होने की प्रायिकता। इसके बाद आप सीधे सीधे मोटे अक्षरों में इसका उत्तर लिखेंगे कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, तो एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता बराबर 1/2, आप यहाँ साफ साफ अलग से लिखेंगे
और तब ये प्रश्न जो है पूरा हो जाएगा। अब आप इसी को लिख के आप खुद समझ लिए, हम तो उत्तर निकाल दिए, उत्तर को स्पष्ट नहीं कर रहे हैं, तो भी एग्जामिनर का ध्यान इधर अगर नहीं गया तो प्रश्न पे नंबर मिलने की संभावना जो है वो घट जाती है। तो ये हुआ दूसरे का क। अब इसी तरह से आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे के ख में। दूसरे के ख में दिया है दो समरूप त्रिभुजों की ऊंचाइयां क्रमशः 3 और 4 सेंटीमीटर, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो समरूप में आपको बताया गया है प्रमेय में कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है वह उनके संगत भुजाओं के अनुपात में होता है, संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होता है। तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सीधे सीधे ये हो जाता है इनके भुजाओं का वर्गों का अनुपात या इनके शीर्षलंबों के वर्गों का अनुपात। तो शीर्षलंबों के वर्गों का अनुपात यहाँ पे दिया हुआ है 3 और 4, तो 3/4 का वर्ग लगा देंगे और ये हो जाएगा 9/16। तो नीचे लिख देंगे एक लाइन और कि पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल और यहाँ संबंधे का चिन्ह लगा के दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 9/16। बस ये छोटा सा प्रश्न, छोटा सा उत्तर, इसका काम पूरा। यह है प्रश्न नंबर दूसरे का ख। ऐसे ही प्रश्न नंबर दूसरे का ग क्या होगा। ग में दिया है कि यदि साइन थ्री ए इज इक्वल टू कॉस ए माइनस 26 हो, जहां 3a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से देखिए, यहां साइन का पद है और यहां कॉस का पद है, तो ये फलन आपस में समान होंगे तभी हम लोग इनके मानों की तुलना कर पाएंगे। तो फलन समान करने के लिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा और यहाँ हो जाएगा कॉस ए माइनस 26। अब कोई कहेगा कि नहीं, हम कॉस साइन को नहीं बदलना चाहते हैं, कॉस को बदलना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप कॉस को भी बदल लीजिए। यहाँ लिख दीजिए साइन 90 माइनस ये पूरा, तो चूंकि इसमें दो पद है तो थोड़ा कन्फ्यूजन होने की संभावना है और यहाँ से माइनस भी है, तो ज़्यादा बेहतर है इस साइन को ही कास में बदल लें। अब देखिए दोनों फलन समान हो गए, कास का फलन यहाँ भी है यहाँ भी है, इसलिए इसके मान भी आपस में समान होंगे, यानी कि 90 माइनस 3a विल बी इक्वल a माइनस 26। ए को इधर लाइए, -3a - a इक्वल -26 - 90। अब इसमें से हो जाएगा 4a - 4a इक्वल टू -6 116। तो यहाँ से a का मान मिल जाएगा हम लोगों को -116 / -4, कितना होगा, -- गुणा होगा प्लस हो जाएगा, 4 × 2 = 3 / 36, ये 9। तो उत्तर लिख देंगे ए का मान, कोड ए का मान जो है यहाँ साफ साफ अलग साफ आंसर लिख देंगे कि कोड ए विल बी इक्वल 29 डिग्री। ये हुआ तीसरा। इसी तरह से घ है इसका, अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 404 का मौसा ज्ञात कीजिए और फिर इसका लौसा ज्ञात कीजिए। तो फिर आप यहाँ एक चीज़ ध्यान देखिए, यहाँ पे दूसरे का ग लिखे हैं, दूसरे का ख लिखे हैं, अब यहाँ हम दूसरे का घ भी लिखेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ घ लिखेंगे, दूसरे का घ लिखेंगे, क्योंकि मान लीजिए ये दो प्रश्न हल करने में आपका पेज भर गया, आप अगले पेज पे गए, तो फिर आप केवल घ लिख दिए तो एग्जामिनर को कन्फ्यूजन होता है कि वह घ किस प्रश्न का है, पहले का है कि पचवें का है। तो यहाँ पे आप बार बार लिखते रहेंगे, दूसरा है तो दूसरा, तीसरा है तो तीसरा, तो इस बात की भी चिंता करेंगे। हाँ, दूसरे का घ है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का मौसा ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि वाला मौसा मतलब वही भाग विधि बचता है, तो छोटी संख्या से हम लोग क्या करते हैं, बड़ी संख्या में भाग देते हैं, और ये चार बार में तो जाएगा ही, 6 × 4 = 24 और 9 × 4 = 36 और 36 × 3 = 39। यहाँ 4 × 4 = 0 और 10 × 9 = 1। छः चौको 24 का 4 और 9 × 36 = 3 9 × 6 = 24 हासिल 2 आया और 4 × 9 = 36 + 2 = 38 होगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब इससे भाग देते हैं इस 96 में, तो ये चार बार में जाएगा, ये 80 होगा, तो यहाँ 16 बचेगा,
अब 16 से भाग देंगे 20 में, एक बार में जाएगा यहाँ 16 होगा, यहाँ 4 बचेगा, अब 4 से भाग देंगे 16 में, 4 बार में जाएगा 16, ये पूरा पूरा कट जाएगा। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा 96 और 404 का मौसा कितना होगा, SCF ये हो जाएगा 4। ये हो गया, इस प्रश्न में दो भाग हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि से संख्याओं 96 और 404 का मौसा ज्ञात कीजिए और फिर इसका लौसा ज्ञात कीजिए। लौसा तो लौसा ज्ञात करने के लिए फिर इसका गुणनखंड नहीं करेंगे हम, हमको पहला पद मालूम है, दूसरा पद मालूम है और इसका मौसा मालूम है, तो हम लोगों को पता है कि पहला पद, अब यहाँ सिंस लगा के लिखेंगे, चूँकि पहला पद गुणे दूसरा पद बराबर मौसा, और इसमें गुणा किसका करा लेते हैं, लौसा का, इसलिए लौसा कितना हो जाएगा, मतलब LCM लघुत्तम समापवर्तक कितना हो जाएगा, पहला पद गुणे दूसरा पद और बटे मौसा, ये इसका, यहाँ से इसका मान निकाल लेंगे, और पहला पद है इसमें 96 और दूसरा पद है 404 और मौसा इसका 4, इसको काट देंगे, 24 होगा, फिर 24 और 0 है तो 96 लिखा ही जाएगा, ये इसका मौसा हो जाएगा, लौसा हो जाएगा, LCM हो जाएगा, बस ख़त्म। अगर आपको इस प्रश्न का हल आता है तो जितना समय हमको प्रश्न पढ़ने में लग रहा है उतने समय में आप प्रश्न को हल कर सकते हैं, प्रश्न हल हो जाएगा। और हम देखे हैं आज के पहले बहुत बात देखे हैं कि बच्चे गणित के पेपर को अधिकतम 1.5 से 2 घंटे के भीतर जो पूरा प्रश्न एकदम कम्प्लीटली सॉल्व कर लेते हैं। आप खुद ही देख रहे हैं कि हम लोगों ने 2 प्रश्न सॉल्व कर लिया और अब तक हम लोग 6 और 4, 10 नंबर का प्रश्न जो है 70 नंबर में देख लिए, उसको हम लोग हल कर लिए। अब हम प्रश्न ले रहे हैं तीसरा, क्वेश्चन नंबर 3 में, ये पहला क्वेश्चन इसका है, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है। तो अभी तो ये प्रश्न, ये AP का प्रश्न है और ये प्रश्न जो है समांतर श्रेणी का है, और इस समय 30% माइनस हुआ उसमें बाहर किया जा चुका है, लेकिन फिर भी अगर आप इसको देखना चाहते हैं या और भी लोग देख रहे हैं इसको, तो उनके लिए कि 2 अंकों की कितनी संख्याएं होंगी जो 3 से विभाज्य हैं, तो 3 से विभाज्य संख्याएं कौन कौन है, तो 3 से भाज्य संख्या, 3 से भाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं, तो ये है 3, 6, 9, 12, 15, ऐसे देखते जाएंगे तो लास्ट संख्या मिलेगा 99। अब इसमें कितने पद होंगे, तो या तो आप यहाँ गिने जो एक बड़ी संख्या के रूप में आएगा, नहीं तो फिर आप इसको AP वाले विधि से कैसे कर सकते हैं, इसमें मान लेंगे क्या, माना इसमें पदों की संख्या जो है कितनी है, n है, तो एक फार्मूला होता है AP का, a+n-1 × d, l मतलब अंतिम पद, अंतिम पद दिया है यहाँ पे 99, a मतलब प्रथम पद, प्रथम पद दिया है 3, और यहाँ पे n-1 × d होता है सर्वांतर, मतलब क्रमागत पदों का अंतर, तो क्रमागत पद मतलब 6 में से 3 घटाए 3 या 9 में से 6 घटाए 3, तो इसका मान आएगा यहाँ पे 3। अब इसको हल करेंगे लोग तो 3 + 3 और -3, 3 + 3 और -3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और 99 = 3n, सो n = 99/3, यहाँ से हो जाएगा 33। 33 ऐसे पद होंगे जो 3 से विभाज्य होंगे और 2 संख्याओं से मिलकर बने होंगे, ये है तीसरे का क, तो यहाँ नीचे उत्तर लिख देंगे आप सीधे सीधे कि 2 अंकों से बनी ऐसी संख्या जो 3 से विभाज्य है या अभीष्ट संख्या बराबर 33। यहाँ अभीष्ट शब्द एक लिख देंगे आप कि तो समझ में आ जाता है कि आप क्या लिखना, आपको क्या लिखना है वहाँ पे, ये हो गया। इसके बाद प्रश्न संख्या तीसरे का ख देखा जाए, तीसरे का ख है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए ज्ञात कीजिए कि क्या बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए ज्ञात कीजिए कि क्या 6377280 से दशमलव का दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत, अपने उत्तर का कारण भी दीजिए।
तो शांत और अशांत दशमलव में बताया गया है कि जिस भी संख्या के हर में दू पे घात यम इंटू फाइव पावर एन के रूप का पद होता है तो इसका दशमलव प्रसार जो है शांत होता है। जिसके हर में दो होता है, पाँच होता है या दो और पाँच दोनों होते हैं, ऐसे संख्याओं का दशमलव प्रसार जो है वो शांत होता है। इसमें जीरो है, जीरो है मतलब निश्चित है क्या, इस 7280 को आप ऐसे लिख सकते हो, 7280 को लिखा जा सकता है 728 और गुणे 10, तो एक दो एक पाँच तो इसी 10 में आ गया और 728 दो के गुणनखंड में आता ही है। तो कुल मिला के आप देखेंगे कि इसके हर में एक पाँच आएगा और दो कितना आएगा यहाँ से पता चल जाएगा। इसका आधा करेंगे, 728 का अगर आधा करेंगे हम लोग, इसका आधा करेंगे तो 364 का आधा करेंगे तो 36, इसका आधा करेंगे लोग तो 91, 2 4 8, 2 2 16, 2 2 9 18, 2 और फिर ये 3 से कटेगा तो 2 और 5 दोनों आ रहा है, तो 2 और 5 आने की वजह से यह संख्या जो है इसका दशमलव प्रसार जो है वो शांत होगा। ये उत्तर भी दे देते हैं आपको, दशमलव प्रसार बताना नहीं है कितना होगा, आपको सिर्फ ये बताना है कि शांत। तो गुणनखंड करके ऐसे लिख दीजिए, 2 पे आएगा 3 आएगा और 5 आएगा, तो उसके हिसाब से इसका दशमलव प्रसार जो है शांत वाले क्षेत्र में चला जाएगा। अभी हम लोग प्रश्न नंबर 3 पे ही हैं, आधा समय तो मिटाने में ही लग जा रहा है। ग है इसका, निम्नलिखित बारंबारता बंटन सारणी से आंकड़े का समांतर माध्य 21.5 हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। इसमें समांतर माध्य दे दिए हैं, समांतर माध्य दे दिए हैं और इसमें पद दिए हैं, पद की बारंबारता दिए हैं, हमको एक और कालम चाहिए तो हम एफ एक्स का भी बना लेंगे। पद दिए हैं 5, 15, 25, 35 और 45 और ये बारंबारता दिए हैं 5 का है 6, 15 का है 4, 25 का है 3, 35 का है k और 2 का 45 का है 2। तो और इसका समांतर माध्य भी दिए हैं 21.5, तो k का मान बताना है। बहुत आसान सा प्रश्न है, आप इसका पहले एफ एक्स निकालोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 30, यहाँ हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 75, ये हो जाएगा 35k और ये हो जाएगा 90। आपको दो मान चाहिए, एफ एक्स का सिग्मा एफ का मान चाहिए और सिग्मा एफ एक्स का मान चाहिए। सिग्मा एफ का मान 6 4 10 3 13 2 15 15 धन k हो जाएगा और एफ एक्स का मान 5 का 5 और 9 7 9 7 16 6 22 22 3 25 और ये बीजातीय पद है 35 के जो अलग से रह जाएगा। अब हम लोगों का सीधा सूत्र होता है समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, इसको हल करेंगे लोग तो इसका मान एक्स बार का मान दिया 21.5, ये प्रश्न में दिए हुए हैं 21.5, हाँ ठीक है 21.5 और एफ एक्स का मान यहाँ पे है 2 5 5 plus 35 k by 15 plus k। अब ये एक समीकरण बन गया, इसी समीकरण को हल करके k का मान निकालेंगे। अब इसका गुणा जो है इन दोनों पदों में होगा, 15 25 75 का 5 और 15 कम 15 7 22 का 2 और 15 2 30 30 2 32 और प्लस 21.5k हो जाएगा, विल बी इक्वल 255 plus 35k। अब सजातीय पदों को इकट्ठा कर लें तो 35k, ये k और k वाला पद एक साथ हो जाएगा और 255 minus 322.5, इसमें से घटाएंगे लोग तो ये 35 है और ये 21.5 है तो 0.5 तो आएगा ही, और 34 में से 21 घटा दीजिए सीधे सीधे तो 4 में से 1 जाए 41 या 3 हो जाएगा और यहाँ पे है 3 2 1 के माइनस चिन्ह के साथ
इधर वही हाल है, 0.5 है तो 0.5 तो होगा ही, और यहाँ 4 बचा, 4 2 का 2, 5 2 का 3, गलत गलत गलत, ये 3 2 2 वाला अधिक है तो घटेगा उसमें से, ये घटेगा ना कि इसमें से, वो तो इसमें से इसको घटाएंगे लोग तो 0.5, और ये हो गया, और 12 में से 5 निकला 7, 11 में से 5 निकला 6, और 2 में से 2 निकला 0, ये भी माइनस में आएगा। सो के इज इक्वल टू माइनस 6 7.5 बाई माइनस 30.5, माइनस माइनस का गुणा होकर प्लस हो जाएगा, इसको काटते नहीं है, कभी कटता नहीं है, ये गणित में गुणा होके ये समाप्त होता है, माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस होगा। देखिएगा कभी आप इसको ऐसे ना काट दीजिएगा, गलत है ये, नहीं काटते हैं, ये माइनस माइनस का गुणा होकर अपने आप प्लस हो जाता है, छोड़ देते हैं इसको ऐसे, और एक अंक पर दशमलव ऊपर और नीचे दोनों है तो 6 7 5 और 1 3 5, कितनी बार जाएगा, 25 5 15 2 17 5 के 5 1 6, शायद 5 बार में जाएगा, 5 बार में 25 5 3 15 2 17 और 5 के 5 1 6 सही है, इसको इसको काट सकते हैं 5 बार में, तो ये के का मान जो है क्या हो जाएगा, के का मान जो है 5 हो जाएगा, यह है तीसरे का घ ग, और तीसरे का घ जो है, ये बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत सिंपल प्रश्न है, आप बोलने और समझाने लिखने में अधिक समय लग रहा है, जब कंसंट्रेट होकर इस प्रश्न को हल किया जाएगा तो जो अभी जितना समय इसको यहाँ समझाने और लिखने में लगा उसका 1/3 भाग समय में, उससे भी कम समय में प्रश्न हल किया जा सकता है, बशर्ते आपको इसको हल करना सही रूप में आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि यह प्रश्न जो कैसे हल होगा। इसके बाद तीसरे का अंतिम प्रश्न है और हम लोग 8 नंबर और कर लेंगे। तीसरे का घ जो है वह है कि एक घड़ी की मिनट की सुई 14 सेमी लंबी है, मिनट वाली सुई घड़ी, और घड़ी में मिनट वाली सुई जो ये 12 का होता है, 1 2 और यहाँ पे 3 का होता है, मिनट वाली सुई की लंबाई है 24 सेमी। ये प्रश्न कह रहा है, आगे कह रहा है कि 10 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, 10 मिनट तो मिनट की सुई यहाँ पे आएगा तो 5 मिनट और यहाँ आएगा तो 10 मिनट, यहाँ तक पहुँचता है तो जो ये त्रिज्यखंड बना, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताना है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तभी बता पाएंगे हम लोग जब यह कोण हम लोगों को पता हो। और कोण कैसे मालूम करेंगे, तो कोण को मालूम करने के लिए है कि मिनट की सुई जब पूरा एक चक्कर लगाता है पूरे डायल पे तो कितने कोण बनाता है, एक बिंदु पे बने कोण के बराबर, और एक बिंदु पे कितने अंश का कोण बनता है, कुल 360 अंश। तो एक चक्कर या 60 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना होगा, तो यह होगा 360 अंश। तो 60 मिनट घूमेगी मतलब पूरा एक चक्कर लगाएगी तो कितना अंश का कोण बनेगा, 360 अंश। इसलिए एक मिनट में मिनट वाली सुई कितना कोण बनाएगी, तो 360 अंश आप बटे 60, यानी कि ये हो जाएगा 36 6 अंश का। एक मिनट में मिनट की सुई कितने अंश का कोण बनाती है, 6 अंश का। इसलिए 10 मिनट में मिनट की सुई कितने अंश का कोण बनाएगी, तो 10 × 6 अंश यानी कि 60 अंश का कोण बना लेगी। मिनट की सुई एक मिनट में 6 अंश का कोण बना रही है, तो मिनट की सुई 10 मिनट में कितने अंश का कोण बनाएगी, तो 60 अंश का कोण बनाएगी। तो अब यहाँ पे हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इसलिए 10 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाया गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है थीटा बटे 360 अंश गुणे कितना, पाई आर स्क्वायर, थीटा यहाँ पे है 60 अंश बटे 360 अंश, पाई मतलब 22/7 और आर स्क्वायर मतलब 14 ×
14 इतना वर्ग सेमी जो है उसका क्षेत्रफल हो जाएगा इतना। अब इसको हल करेंगे लोग तो ये सीधे कटेगा कितनी बार में, दो बार में। इसको हल करेंगे लोग तो ये कटेगा इससे 6 बार में, 6 से इसको काट सकते हैं कितनी बार में, दो बार में। ये 3 आएगा और ये हो जाएगा 11। अब कितने अंक बच गए, 11, 2, 14 और 3। तो इसका गुणा मौखिक भी हो सकता है, 11, 2, 22, 22, 24, 88 और 22 कम 22, 8, 30 और बटे 3, यानी कि 102 सही कितना 2/3 वर्ग सेमी, इतना कोण जो है, इतना क्षेत्रफल जो है उस त्रिज्यखंड के द्वारा बनेगा। ये सब प्रश्न, तीसरा प्रश्न जो है 2-2 नंबर का था, इसी तरह से चौथा प्रश्न भी 2-2 नंबर का है। चौथे प्रश्न में भी, वीडियो तो लंबा हो रहा है लेकिन ये अनसॉल्व का पेपर है तो थोड़ा टाइम तो लगेगा। हमारा वीडियो जो है कितने समय का पहुंच गया है, 41 मिनट का हो गया क्या ये, ओके ठीक है, ये लंबा वीडियो हो रहा है। अगर इस वीडियो पर रिस्पांस अच्छा मिला तो आगे भी आपको हम जो अनसॉल्व को पेपर हैं और दूसरे उस अनसॉल्व पेपर को भी बताएंगे। आज के लिए बस इतना, बहुत लंबा वीडियो हो रहा है ये, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में अगर इस वीडियो का रिस्पांस अच्छा हुआ तो अगला वीडियो आपको फिर इससे भी बड़ा वीडियो बनाया जाएगा, घंटा और 1.5 घंटे का भी। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।